गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूला का डेरिवेशन भी किया था। जैसे कि जो साइन एक्स है उसका डीसी क्या होता है, कॉस एक्स है उसका डीसी क्या होता है, या टेन एक्स है उसका डीसी क्या होता है, और आपको एक फार्मूला चार्ट दिए थे। तो हमें आशा है कि आप लोग उस फार्मूला चार्ट के हर एक फार्मूला का डेरिवेशन खुद से किए होंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर इसमें एक दो और बचा हुआ है, उसका भी डेरिवेशन जो है इस फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पे कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं फार्मूला के ही कुछ पार्ट का, जो फार्मूला चार्ट में बताए थे उसी का डेरिवेशन आपको फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से कर रहे हैं। एक फंक्शन है आपको y इक्वल टू कॉसेक एक्स, और इसका हमें डी ओ बाई डी एक्स निकालना है। अगर हम लोग फार्मूला यहाँ यूज़ करें, या फिर आपको पता है कि यहाँ पे ये y ही आपका एफ एक्स होता है और यही आपका क्या है, कॉसेक एक्स है। अगर यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा दें तो लिखेंगे वी नो दैट डी ओ बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स यहाँ एक्स के जगह पे जाएगा तो कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स होगा, माइनस एफ एक्स तो माइनस कॉसेक एक्स होगा, और नीचे में तो आपका डेल एक्स है ही। लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉसेक सी माइनस कॉसेक डी का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए कॉसेक को भी क्या करना है, साइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो वन अपॉन साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वन बाय साइन एक्स होगा, ये ऊपर का पार्ट है और नीचे में तो आपको डेल एक्स है ही। लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर यहाँ ऊपर में एलसीएम लें तो एलसीएम ले तो ये साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स का एलसीएम साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन एक्स बचेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। और सबसे नीचे में तो आपको डेल एक्स है ये वाला डेल एक्स, ये डेल एक्स नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऊपर कंप्लीट फ्रैक्शन हो और नीचे अगर सिंगल टर्म हो तो वो डिनोमिनेटर में ही आपको मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर में यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, तो माइनस एक्स माइनस डेल एक्स बाई टू हो जाएगा। और नीचे में जो सब टर्म है, जैसे साइन एक्स प्लस डेल एक्स है, साइन एक्स है, और नीचे से डेल एक्स आएगा, सबको लिखना है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू होगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स होगा। इधर अगर आएंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो साइन माइनस डेल एक्स बाई टू होगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और नीचे में साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेल एक्स आपको बच रहा है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो अगर इसके एंगल में टू से डिवाइड करें दोनों में तो ये एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे डेल एक्स बाई टू है ही, इस डेल एक्स को हम इसके साथ लिख रहे हैं सेपरेट करके, और बाकी जो दोनों टर्म है उसको साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स लिख रहे हैं। ये माइनस बच रहा है, इस माइनस को क्या करते हैं सबसे आगे में लिख देते हैं, इस माइनस को सबसे आगे में लिख दिया माइनस टू, फिर ये कॉस वाला टर्म है, साइन डेल एक्स बाई टू है,
नीचे का डेल एक्स केवल इसमें ले, क्योंकि इसमें लिमिट्स का रूल अब लगाएंगे कि साइन के जो एंगल में है वो हमें नीचे चाहिए। तो साइन के एंगल में डेल एक्स बाई टू है, तो अगर यहाँ वन बाई टू लिखें तो आपको ऊपर भी वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये माइनस टू इंटू कॉस एक्स बचेगा, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू जीरो, तो एक्स प्लस जीरो तो एक्स ही बचेगा। नीचे अगर आते हैं यहां पर डेल एक्स जीरो तो साइन एक्स बचेगा, बगल में ये साइन एक्स आपको है ही, इस पूरे का वैल्यू हो गया वन और बगल में वन बाई टू आपको है ही, तो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस वन अपॉन साइन एक्स और बगल में इसको लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो वन बाय साइन होता है कॉसिक और कॉस बाय साइन होता है कॉटेक्स। तो आपको यही फॉर्मूला निकल के आया है कि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक एक्स, ये माइनस कॉस एक एक्स इंटू कॉटेक्स होता है, कॉस एक एक्स का डी सी माइनस कॉस एक एक्स इंटू कॉटेक्स होता है। y अगर e टू दी पावर x है तो dy dx कैसे निकालेंगे, y मतलब fx, लेट करने की कोई जरूरत ही नहीं, y मीन्स fx, ऐसे हमेशा समझना y मीन्स fx। तो डायरेक्ट अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे लिखेंगे वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल एक्स, यहां ई के पावर में जाएगा तो ई एक्स प्लस डेल एक्स होगा, माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब हो गया ई टू दी पावर एक्स और नीचे तो डेल एक्स है ही। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स, और बगल में ई टू दी पावर एक्स तो है ही और नीचे तो डेल एक्स रहेगा ही, गुणाम अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ई पे पावर एक्स प्लस डेल एक्स को ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि गुणाम अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। ऊपर से e टू दी पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट डेल x टेंस टू जीरो अगर यहां से e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर डेल x माइनस वन अपॉन डेल x हो जाएगा। e टू दी पावर x कॉमन हुआ, e टू दी पावर डेल x बचेगा, e टू दी पावर x कॉमन लेंगे यहां वन बचेगा, नीचे तो डेल x है ही। तो इसमें आपको लिमिट्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लिमिट्स का फॉर्मूला लगाइए e टू दी पावर x का, अगर एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर एक्स का अगर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, तो आपको वो फॉर्मूला ही लगा देते हैं, उसी के आधार पर लिमिट्स का फॉर्मूला ही बनता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको कि ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, इस तरह से लेकर के ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला है। तो एक्स के जगह पर जो रहेगा सब डालना पड़ेगा, मतलब x के जगह पर जहां जहां x है सब डालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए x के जगह पर डेल x है, तो कैसे इसका हम लगाते हैं एक्सपेंशन का फॉर्मूला, सो देख लीजिए। तो इसके लिखेंगे 1 प्लस डेल x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये बढ़ते जाएगा, ये आपको हमेशा बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक, और लास्ट में माइनस वन देना है और नीचे में, तो नीचे में तो आपको डेल x है ही, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सब में से क्या करना है डेल एक्स आपको कॉमन लेना है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो अगर डेल एक्स हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ स्क्वायर में से एक निकलेगा तो डेल एक्स बाय फैक्टोरियल टू, और इसके बाद हर एक टर्म आपको डेल एक्स बचेगा, जिसको लिखते हैं हम लोग इस तरीका से हायर, इसको ऐसे करके लिखेंगे हायर पावर ऑफ डेल एक्स, ये बाद में लिख देना हायर पावर ऑफ डेल एक्स, यानी आगे डेल एक्स का उच्चतम घात मिलेगा और नीचे में, तो नीचे में तो डेल एक्स है ही, तो ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
अगर इसका लिमिट्स ले तो डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा, तो यहां देखिए सेकेंड टर्म के बाद सब टर्म आपको डेल एक्स दिखेगा, इसका मतलब सेकेंड टर्म के बाद सब टर्म हट जाएगा, तो बच कौन जाएगा, वन एन बच ई टू दी पावर एक्स का जो डीसी होगा वो डीओ बाई डी एक्स, पावर एक्स का जो डीसी होगा डीओ बाई डी एक्स वो ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का डीसी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ये हम लोग फॉर्मूला के चार्ट में देख भी चुके हैं और ये उसका प्रूफिंग हुआ। इसी एक्सपेंशन के आधार पर एक लिमिट का फॉर्मूला भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है लिमिट ई टू दी पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो, ई टू दी पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो। फॉर्म चेक करेंगे तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म आएगा। तो रूल कहता है कि जो टर्म जीरो के तरफ जा रहा है वो टर्म अगर ई पर पावर में है तो देखिए उस पावर का जो वो टर्म है उसका कॉफिशियंट किया है, जैसे एक्स जीरो हो रहा है तो ई पर पावर में देखिए ए एक्स है, तो एक्स का कॉफिशियंट कितना है, ए है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा वो ए हो जाएगा। इस चीज़ को हम डायरेक्ट जो है याद रख सकते हैं, ये लिमिट माप को एक फार्मूला की तरह याद रखा जाता है। अगर यहाँ ए का वैल्यू होगा वन, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा वन। जैसे कि लिमिट ई टू दी पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स का गुणांक है तीन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा तीन। अब अगर इस फॉर्मूला के आधार पर देखिए इसका काम करें तो देखिए यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, नीचे डेल एक्स है और ऊपर ई टू दी पावर डेल एक्स है, माइनस वन तो है ही, तो इस डेल एक्स का कॉफिशियंट कितना, इस डेल एक्स का कॉफिशियंट वन, इसीलिए इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू कितना वन। तो ई टू दी पावर एक्स में अगर वन से मल्टीप्लाई करें ई टू दी पावर एक्स ही होगा, जो कि आपको यहाँ मिला है। तो ये हो गया आपको बेसिक तरीका से बनाना, और ये हो गया फॉर्मूला की तरह से याद रखना, दोनों ही चीज़ आप याद रख सकते हैं। वाई अगर लॉग एक्स है तो इसका डीसी कैसे निकालते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे वी नो दैट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। तो ये आपको हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये एक्स प्लस डेल एक्स यहाँ एक्स के जगह पर जाएगा, तो ये होगा लॉग एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये एक्स भी यहाँ एक्स के जगह पर, मतलब ये टोटल ही जो है वो आपको फंक्शन है यहाँ पे जो लॉग एक्स के रूप में जाएगा, मतलब इस एफ एक्स का जो वैल्यू है लॉग एक्स उसको यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टेड वैल्यू हो गया यहाँ पे, और नीचे में तो आपको डेल एक्स है ही। अब क्या करते हैं कि लॉग का यहाँ पर लगा देते हैं प्रॉपर्टी। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये लॉग एम अपॉन एन होगा, यानी कि लॉग के बीच में अगर माइनस हो तो बाद का टर्म डिवाइड में आ जाता है, लॉग एम बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये माइनस है, इस माइनस के कारण ये एक्स डिवाइड में आ जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और नीचे में तो डेल एक्स है ही। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस एक्स से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक्स बाय एक्स वन होगा, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो डेल एक्स बाय एक्स हो जाएगा, और नीचे में तो आपको डेल एक्स है ही। इस एक्स से इसमें डिवाइड किए तो वन, इसमें डिवाइड किए तो डेल एक्स बाय एक्स। तो लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का, वो फॉर्मूला अगर देखें, लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर से लेकर के ये बढ़ते जाता है। तो इस फॉर्मूला का अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए तो कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं सो देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स मतलब डेल एक्स बाई एक्स माइनस डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस डेल एक्स बाय एक्स का होल क्यूब बाई थ्री, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, और सबसे लास्ट में नीचे जो डेल एक्स है इससे डिवाइड कर लेना है। लॉग वन प्लस एक्स
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ देखें इसके बाद लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अगर एक बार इसको लिख दें तो डेल एक्स बाई एक्स माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स क्यूब से लेकर के ये आपको टर्म बढ़ते जाता है। ये नीचे का टर्म 2 जो है वो नीचे में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर, ये नीचे का टर्म 3 इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया 3x क्यूब हो गया है, और सबसे नीचे में तो आपको डेल एक्स है ही। अगर यहाँ डेल एक्स हम कॉमन लें ऊपर से तो यहाँ पर बचेगा 1/x, यहाँ से अगर डेल एक्स कॉमन लें तो डेल एक्स बाई 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आपको डेल एक्स स्क्वायर बाई 3x क्यूब बचेगा, और आगे भी हायर पावर ऑफ डेल एक्स ऐसे लिख देते हैं, मतलब जैसे यहाँ सिंगल पावर है आगे स्क्वायर मिला आगे क्यूब मिलेगा आगे पावर 4 पावर 5 पावर 6 करते एकदम बढ़ते हुए पावर में आपको मिलेगा डेल एक्स, मतलब डेल एक्स लास्ट टर्म तक आपको दिखलाई पड़ेगा, मतलब ये हुआ उसका। और नीचे में तो आपको ये डेल एक्स है ही, तो ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स अगर लेते हैं और डेल एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, मतलब सेकेंड टर्म के बाद सब टर्म जीरो हो जाएगा, तो 1/x माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इस तरह से ये होते चले जाएगा, यानी आपको फाइनल वैल्यू क्या हो गया 1/x। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स यानी लॉग एक्स का डी सी 1/x होता है, ऐसा याद रखना है। और फॉर्मूला के चार्ट में भी आपको बता दिए हैं कि लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है। एक लॉग का फॉर्मूला लिमिट में भी हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1+ax अपॉन एक्स, तो एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, एक्स नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ऊपर में एक्स का जो कॉफिशियंट है वही आपको इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ऊपर में जो लॉग के बाद 1+ करके जो लिखा हुआ है उसमें एक्स का कॉफिशियंट ही आपको आंसर होता है, जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1+5x अपॉन एक्स, तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 5। अब इसके जगह पर जो रहेगा जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1-7x अपॉन एक्स क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशियंट -7 है, सॉरी एच टेंस टू जीरो जा रहा है तो यहाँ पर 7h और नीचे भी आपको h लगा दे रहे, मतलब h के टर्म में बता रहे हैं, ये था x के टर्म में। अगर एच टेंस टू जीरो है ऊपर h है नीचे h है तो यहाँ h का कॉफिशियंट कितना -7, तो -7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर देखिए अभी आपको बताए थे कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1+∆x/x और नीचे में आपको डेल एक्स लिखा हुआ था जिसका डेरिवेशन हम लोग किए हुए जस्ट पहले अभी, तो देखिए डेल एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ है, नीचे डेल एक्स है और ऊपर डेल एक्स है, तो ऊपर में जो डेल एक्स है उसका कॉफिशियंट कितना, मतलब इस डेल एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है, डेल एक्स बाई एक्स का मतलब हो गया आप इसको 1/x इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं, यानी अगर पूछे यहां डेल एक्स का कॉफिशियंट कितना डेल एक्स का गुणांक कितना आपको बोलना पड़ेगा डेल एक्स का गुणांक 1/x, इसीलिए इस पूरे का जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। और यही तो हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी पढ़े हैं कि लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकें तो भी आप लगा सकते हैं अगर आपको ये याद है तो, नहीं अगर ये याद नहीं है तो लॉग का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताएं वो याद रखना पड़ेगा, उसके आधार पर आप सवाल को बना सकते हैं। वाई अगर एक्स टू दी पावर एन है तो इसका डीसी कैसे निकालते हैं वो चीज देख लेना है। तो लिखेंगे हम लोग वी नो दैट डीवाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू यहां जाएगा, तो x प्लस डेल एक्स पे
पे पावर एन माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना, एक्स टू दी पावर एन, और नीचे में तो डेल एक्स है ही। तो करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ता है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन ए प्लस बी टू दी पावर एन, याद है ए प्लस बी टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन बी, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर से लेकर के लास्ट में बी टू दी पावर एन। तो ये फार्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल थ्योरम में ये फार्मूला पढ़ते हैं, ए टू दी पावर एन प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर से लेकर के बी टू दी पावर एन। ये ए आपको फर्स्ट टर्म है तो बी आपको सेकेंड टर्म है, और ये एन आपको होता है पावर। इसी फार्मूला पर क्या करते हैं, इसको हमें ब्रेक करना होता है। तो ये मानिए ए और ये मानिए बी, तो ए टू दी पावर एन, तो एक्स टू दी पावर एन, फिर क्या करेंगे एन ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी, बी मतलब हो गया डेल एक्स, एन मतलब पावर, ए मतलब एक्स पे पावर एक कम, और बगल में डेल एक्स लिखेंगे, इसके बगल में लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ए टू दी पावर मतलब एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और बगल में लिखेंगे डेल एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में लिखना है आपको डेल एक्स पे पावर एन। डेल एक्स कौन है, ये डेल एक्स पे पावर एन, और माइनस एक्स टू दी पावर एन तो बगल में लिखना ही है, और नीचे में आपको ये डेल एक्स रहेगा ही। ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर डेल एक्स को लिखें, तो ये माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस एक्स टू दी पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में जो टर्म दिख रहा है उसमें से क्या करना, आपको सिंगल डेल एक्स जो है वो कॉमन लेना है। तो डेल एक्स जब कॉमन लेंगे तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन बचेगा, यहाँ बगल में एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू बचेगा, और डेल एक्स स्क्वायर में से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक डेल एक्स बचेगा। इसी तरह से यहाँ जो लास्ट में आप देख रहे हैं पावर एन, यहाँ एन माइनस वन बचेगा, यानी कि आपको लैंग्वेज क्या लिख देना है, हायर पावर ऑफ डेल एक्स। मतलब ये हुआ कि आगे आपको डेल एक्स का ही कोई ना कोई पावर बचेगा, जैसे यहाँ पर सिंगल पावर है, इसके बाद वाले टर्म में स्क्वायर होगा, उसके बाद वाले टर्म में क्यूब होगा, पावर फोर पावर फाइव से लेकर के वो बढ़ते चले जाएगा पावर एन माइनस वन तक, और नीचे में तो डेल एक्स है ही। अगर ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपका कैंसिल हो जाए और आप इसका लिमिट्स लें, तो लिमिट में डेल एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, तो जो ही डेल एक्स का वैल्यू जीरो डालिएगा तो सेकेंड टर्म के बाद सब टर्म आपको जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस जीरो करके सब टर्म आपको हो जाएगा, जितना भी टर्म है, तो आपको क्या बच गया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और इसी को फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ये एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, यानी कि पावर एन आगे आएगा एक्स पर, उससे कम पावर चढ़ा करके आपको लिखना है एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसी के आधार पर कर आप लोग को एडिशनल फार्मूला चार्ट बताए थे, अभी हम लोग देख लेते हैं कि एडिशनल फार्मूला चार्ट में जो आपको फार्मूला बताए थे उसका डेरिवेशन फिर इसके आधार पर हम लोग कैसे करते हैं। यदि y इक्वल टू x टू दी पावर n है तो इसका जो dc है वो n x टू दी पावर n माइनस वन हम लोगों ने पढ़ा है, और अब इसी के आधार पर हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालते हैं जरा उसको देख लीजिए। एक्स टू दी पावर एन का डी सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, यहां पर एन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है,
निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। एन का मान पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी आप डाल सकते हैं। पावर में जो भी हो उसका डीसी हम लोग उसी तरीका से निकालते हैं। पहला देखिए कि वाई अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई को लिखेंगे डी ओ बाई डी एक्स और इसमें लगा देंगे फॉर्मूला एन मतलब टू ए टू दी पावर एन माइनस वन, तो टू माइनस वन तो टू इंटू एक्स पे पावर वन, जिसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग लिखेंगे टू एक्स। जो भी है जैसे y मान लीजिए एक्स क्यूब है तो dc कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी ओ बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये पावर हो गया n, तो n x टू दी पावर n माइनस वन, थ्री इंटू एक्स पे पावर थ्री माइनस वन, यानी ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का dc होता है थ्री एक्स स्क्वायर। इसी तरीका से y मान लीजिए सिंगल x है तो सिंगल x का मतलब हो गया कि x पे पावर कितना है, वन है, मतलब n का वैल्यू यहाँ कितना हुआ, वन हुआ। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी ओ बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो n मतलब वन एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, वन इंटू एक्स पे पावर वन माइनस वन, तो ये आपको हो जाएगा वन इंटू एक्स पे पावर जीरो, और पावर में जीरो अगर हो तो वैल्यू वन होता है, तो ये वन इंटू वन तो ओवरऑल वैल्यू वन हो जाएगा। मतलब केवल एक्स जब है तो उसका डीसी आपको वन होता है, ये ध्यान रखना है। अगला अगर देखें कि वाई मान लेते हैं वन अपॉन एक्स है, तो इस नीचे में अगर पावर को आप देखें तो नीचे में कुछ नहीं तो पावर वन होता है, और इस पावर नीचे वाले पावर वन को अगर ऊपर ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये समझिए कि y इज इक्वल टू x पे पावर माइनस वन है और उसका हमें dc निकालना है। तो जब इसका dc हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का dc कितना होगा, डी ओ बाई डी एक्स, और इसमें लगा देंगे यही फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स पे पावर माइनस टू, और पावर माइनस टू को फिर अगर नीचे लेके चले जाएं तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वन बाय एक्स का डी सी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। ये सब का सब आपको फॉर्मूला चार्ट में लिखा हुआ, फॉर्मूला चार्ट में आपको लिखा दिए हैं, एक्स स्क्वायर का डी सी टू एक्स होता है, फिर लिखाए थे ये तीसरा नंबर एक्स का डी सी वन होता है। कैसे होता है वो चीज़ यहाँ बता रहे, समझिए डेरिवेशन हुआ, ये डेरिवेशन किसके मदद से, आपको इस फॉर्मूला की मदद से, x टू दी पावर n के फॉर्मूला की मदद से। वैसे अगर जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से तो निकाल ही सकते हैं, कैसे वो भी आपको बता दिए हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के मदद से कैसे dc निकालते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। फिर हम लोग उसके आगे लिखाए थे उसी फॉर्मूला चार्ट में कि वन बाय एक्स अगर है तो उसका dc तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर निकला है आपको। आगे हम लोग पढ़े थे कि रूट का, कि y मान लेते हैं रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब हो गया x पे पावर हाफ। तो देखिए पावर यहाँ फ्रैक्शन हो गया, पावर फ्रैक्शन है उसके बावजूद भी हम लोग dc का लगाएंगे फॉर्मूला। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dc कितना होगा, डी ओ बाई डी एक्स, इसमें लगा देंगे एक्शन का फॉर्मूला एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये हाफ माइनस वन एक्स के पावर में लिखा हुआ है, यानी कि 1 बाई टू इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस टू बाई टू, यानी 1 बाई टू इंटू एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो देखिए पावर नेगेटिव है तो उसको फिर नीचे ले जा सकते हैं, तो 1 बाई टू इंटू वन बाई एक्स पे पावर हाफ हो जाएगा। पावर नेगेटिव अगर हो ए टू दी पावर माइनस एक्स को 1 बाई ए टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं, घातांक में ये पढ़े थे ना, पावर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये घातांक का नियम है। तो इसी आधार पर इसको नीचे जब ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गया, और पावर हाफ को हम लोग रूट बोलते हैं, तो ये वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होगा रूट एक्स का डी सी कितना, तो वन बाई टू रूट एक्स।
रूट एक्स का डीसी कितना, 1/2 रूट एक्स। छठा एक देख लें अगर, कि मान लेते हैं वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मान लेते हैं इसे 5 है, कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। हमने माना कि वाई इक्वल टू मान लेते हैं 5 है, तो 5 अगर है तो लिख सकते हैं 5 × 1, लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1 को लिख सकते हैं x^0। किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, तो हमने लिखा x पे पावर 0। अगर इसका डीसी हम निकालें कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × इसमें लगाना है फॉर्मूला, मतलब nx^n-1 0 × x^0-1। तो ये जो 0 गुना में आ गया वो सबको क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का जो डीसी होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, कांस्टेंट कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो उसका डीसी हमेशा 0 लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने उसी फार्मूला पर फिर से डिस्कस किया है, और उस फार्मूला के आधार पे कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूला जो बनता है, एडिशनल फार्मूला चार्ट जो लिखाए थे, उस एडिशनल चार्ट के फार्मूला का भी हम लोगों ने आज डेरिवेशन किया है x^n के मदद से। इसका डेरिवेशन आप फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत के आधार पर भी आप कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कोशिश करिए कि अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका बेनिफिट उठा पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।